बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस डैड, चल रही है। अच्छा डैड, मेरे कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो आप आओगे ना? मैं अपना बिजनेस संभालूं या तुम्हारी फालतू की पेरेंट्स टीचर मीटिंग संभालूं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। काजल मैडम, आपके लिए नाश्ता, प्लीज़ खा लीजिए और परेशान मत होइए। ठीक है, मैं परेशान नहीं होती, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। कि आज से तुम मुझे काजल मैडम ने सिर्फ काजल कह के बुलाओगे। ठीक है। तेरा फोन दे मुझे। क्यों? मेरा भाई ना तेरे पीछे पागल है, और अगर मैंने तेरे नंबर से इसे कॉल किया ना, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और तू भी उसकी तरह पागल। वैसे कुछ भी बोल, तेरा भाई है बहुत क्यूट एंड हैंडसम। हेलो। हाँ बोलो काजल, आज कैसे याद आ गई? क्या हुआ पागल? मैं काजल नहीं, पूजा हूँ। बाकी सच बता, काजल का नंबर देखकर तुझे झटका लगा कि नहीं? पूजा तू भी पागल ही है, मेरे ही मजे ले रही है। चल अब काजल से भी बात करा दे यार। हाँ मिस्टर फट्टू, तू मुझे कॉल नहीं कर सकता है? नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, बट ऐसे ही सोच रहा था कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। हाँ फट्टू, अब मेरे लिए जो तेरे दिल में फीलिंग्स है, वो भी मुझे तेरी बहन बता रही है। सच बताऊं तो जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं और मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि काजल, आई लव यू एंड प्लीज डोंट एवर लीव मी। फाइनली मेरे फट्टू ने अपने दिल की बात बोली थी मुझसे। एनीवे, आई लव यू टू। हम बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। क्या जरूरत थी? ये तो अच्छा हुआ मेरे घर वाले नहीं है। अब जल्दी जाओ वरना राजू देख लेगा। ये राजू कौन है? मेरा घर का सर्वेंट। तुम भी एक सर्वेंट से डरती हो? मैंने डरता किसे राजू वाजू से। अच्छा ये लड़का कौन? जब तक ये मरेगा नहीं तब तक काजल मैडम मेरी नहीं होगी। तुम वही हो ना जो मेम साहब को परेशान करते हो? मैं उसे परेशान नहीं करता, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। तू कौन है? मैं मेम साहब का नौकर हूँ और वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी करता हूँ। तू बीच में आ रहा है। अब तू नहीं होगा तो मेम साहब मेरी होगी। मैम साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपने बीच में आने वाले लड़के राहुल को भी मार दिया।